राज्य के वित्त मंत्री तनिधि हरीश राव ने मुस्ताबाद चौरस्ता के पास जनता की सुविधा के लिए मुफ्त गर्म जल सेवा और काढ़ा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। मंत्री हरीश राव ने इस दौरान कहा कि काढ़ा पियो, कोरोना को जीतो। मंत्री हरीश राव ने लोगों से सरकार का सहयोग करने की और अपनी रक्षा करने का आह्वान किया। मंत्री ने खुलासा किया कि कोरोना नियंत्रण के लिए शहर के प्रत्येक होटल और रेस्टोरेंट में गर्म पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमने सिद्धिपेट शहर में मुफ्त गर्म सेवा केंद्र शुरू किया है, सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। जिनको कोरोना है और जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके लिए 12 प्रकार की वस्तुओं के साथ कोरोना किट पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार हमने गर्मी के दिनों में ठंडा पेयजल केंद्र स्थापित किया था, उसी प्रकार अभी इस कोरोना के समय में हम गर्म पानी और काढ़ा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। कोरोना के इस कठिन समय के दौरान लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो लोगों को बाहर ना निकले। मंत्री ने लोगों से स्वनियंत्रण और उचित सावधानी बरतने का आह्वान किया। जो लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, वे स्वस्थ रह रहे हैं। विभिन्न कार्यों पर सिद्धिपेट आने वाले के लिए शहर में 3 स्थानों पर गर्म पानी के केंद्र खोल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव आने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट अस्पताल पर लाखों रुपए खर्च ना करें, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। कोरोना ट्रीटमेंट के लिए सिद्धिपेट में 100 बेड, गजवेल RVM हॉस्पिटल में 100 बेड और संगारेड्डी MN हॉस्पिटल में 100 बेड अस्पताल मौजूद है। अगर कोरोना के लक्षण होते हो तो जांच जरूर करवाएं। అయితే కొంత రెక్క అంటే దుకాణం వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, రోజు పనిచేసుకునే వాళ్ళు, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పట్టణానికి వచ్చేటువంటి వాళ్లకు మరి వేడినీళ్లు దొరికే అవకాశం లేదు, కషాయం దొరికే అవకాశం లేదు. కనుక ప్రజలకు ఈ ఉచిత కషాయ కేంద్రము, గోరువెచ్చని త్రాగునీరు అందుబాటులో పెట్టే విధంగా పట్టణంలో 3-4 కేంద్రాలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించడం, దాంట్లో మొదటి కేంద్రాన్ని ఇవాళ ప్రారంభించడం జరిగింది.